अभी बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, आरती भी हो गई है और अच्छे से हमारी आरती दर्शन हमने कर लिया यहाँ पे। सो फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा कि दिल्ली से आप काठगोदाम कैसे जाते हैं और सेकंड ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है काठगोदाम से आप कैंची धाम कैसे जाते हैं, कहाँ आप जा सकते हैं, रात में आप आए हैं काठगोदाम तो आप कहाँ पे रुक सकते हैं, क्या फैसिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले काठगोदाम आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, रात को 10:40 पे हमारी ट्रेन थी यहाँ पहुँची और अभी रात को 11 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टेशन पे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन खाली है। फिर हमने यहाँ पर पता करा कि आसपास कोई होटल है तो हमें पता यहाँ पे जो एक दो होटल थे सारे रूम्स बुक थे, रूम्स अवेलेबल नहीं थे। रिटायरिंग रूम लेने का सोचा, फिर पता चला कि रिटायरिंग रूम भी नहीं है, सिर्फ एक ही रिटायरिंग रूम है और वो भी पहले से बुक था तो हमारे पास रिटायरिंग रूम का भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन था और वो था रेस्ट रूम का। सो क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बाहर रुक भी नहीं सकते, सेफ़ नहीं होता है और यहाँ पे अंदर वॉशरूम भी था और रेस्ट रूम भी था तो हमने यहाँ पे रुकने का डिसीजन लिया क्योंकि सुबह ना आकर बाबा जी के दर्शन के लिए भी जाना था। सो हम लोग यहाँ पे आए, आपको बता देती हूँ अगर आप रेस्ट रूम में रुकते हैं तो 1 आवर्स के 10 रुपीज़ लगते हैं सिंगल पर्सन के, तो जितने भी आप पर्सन हैं जितने आवर्स रहते हैं उस हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। सो हमने यहाँ पे 5 to 6 आवर्स के लिए टिकट्स लिए थे, टाइमिंग स्लॉट हमने बुक करा था उतने टाइम के लिए और पूरी रात हम सब लोग बैठे रहे, पूरी रात जगे रहे क्योंकि ऐसी कहीं भी आप सो भी नहीं सकते हो जब तक सोने की स्पेस ना मिले। फिर यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी थी, एसी वगैरह सब था तो इतनी दिक्कत नहीं थी, बट ये था कि पूरी रात हम सोए नहीं थे, जगे रहे। फिर 3:30 बजे से हम सब नहाना शुरू कर दिए और नहाने के बाद हम सब रेडी हुए और सुबह के 5 बज गए थे और फिर हम निकले बाबा जी के दर्शन के लिए। हमने पर्सनल टैक्सी करी और सुबह के 5 बजे आप देख सकते कितने सारे टैक्सी के यहाँ पर ऑप्शन है। सो आप यहाँ से जाने के लिए ना बसेस वगैरह भी मिलते हैं तो शेयरिंग वगैरह तो आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से टैक्सी से जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी हमने कैब किया है टैक्सी काठगोदाम से, वहाँ से आपको टैक्सी मिलते हैं, बसेस भी चलती है और आप उसमें भी जा सकते हो। तो हमने पर्सनल कैब किया है और हम यहाँ से काठगोदाम से कैंची धाम के लिए जा रहे हैं, सुबह की आरती के लिए जा रहे हैं और अभी हम बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं क्योंकि टाइम पे हम पहुँच जाएंगे आरती से पहले और वहाँ पे हम आरती लेंगे बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। और अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं तो देखिए काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, आप देखेंगे बाहर तो अभी बिल्कुल सुबह ही हो रहा है, आप देख सकते हो बाहर कुछ ज़्यादा दिखेगा भी नहीं आपको क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। तो बस ये है कि जो यहाँ का एरिया जो है ना वो पूरा पहाड़ों वाला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हर तरफ पहाड़ी दिख रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी सुबह 5:30 हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट एक स्वेटर या जैकेट आपके पास होना चाहिए ताकि अगर आपको इंस्टेंट कुछ ज़्यादा ठंडी लगे तो आप उससे आप खुद को कवर कर सकते हो, लेकिन एक स्वेटर वगैरह आपको रखना चाहिए। बस उतरने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर हमें ठंडी लग रही है कि नहीं लग रहा। जो रास्ता है बहुत ही आड़ा टेढ़ा रास्ता है, यहाँ पर पूरा पहाड़ वाला पूरा घुमाव वाला एरिया है, रास्ता है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले कैंची धाम पहुँचते हैं फिर आपसे बात करती हूँ। तो हम पर्सनल कैब लेकर आए हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुकवाया ताकि मैं आपको अच्छे से व्यू करवा सकूँ और मेरे पीछे देखिए ये भीमताल है और मैं थोड़ा सा आप नीचे लेके चलती हूँ। हाँ जा रही हूँ मैं, नीचे जा रही हूँ तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, मम्मा बोली नीचे जा कर के दिखा दो ताकि अच्छे से दिखेगा व्यू आएगा। सो चलिए सबसे पहले तो देखिए पर्सनल अगर आप कैब करते हैं ना टैक्सी करते हैं तो उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप थोड़ा सा कहीं आपको अच्छा व्यू मिले ना व्यू पॉइंट तो आप वहाँ पर आप रुक सकते हैं, आप वहाँ पर वीडियो कर सकते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ ये देखिए, ये भीमताल का लेक है, पूरा बहुत बड़ी लेक है और पूरा हर तरफ आपको पहाड़ से घिरे हुए इलाके देखेंगे। अब थोड़ा सा फ्रेश हो रहा है, सुबह के 6 बजने जा रहे हैं, 5:45 हो रहा है तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप सबको यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप दूर देखें तो बोट वगैरह भी रखे हुए हैं, इधर साइड में आप देख सकते हैं बोटिंग के लिए भी रखे हुए हैं जो कि थोड़ी टाइमिंग के बाद ये बोटिंग भी होती है यहाँ पे। देखिए अभी हम 2 मिनट रुके थे और फिर मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं टैक्सी में क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर हमें आरती के लिए बहुत लेट हो जाएगा। ये रही हमारी टैक्सी पीछे और क्योंकि ज़्यादा रुक नहीं सकते ना, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो फिर ट्रैफिक भी मिलेगा और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी आरती के लिए।
काठगोदाम से कैची धाम जाने के लिए आपको बसेस भी चलते हैं, बसेस के 100 रुपये लगते हैं एक सिंगल सवारी के, और उसके अलावा यहाँ पे शेयरिंग भी जाती है, शेयरिंग से जाने के लिए आपको 200 रुपये का चार्ज लगता है। अगर आप पर्सनल टैक्सी कैब करते हैं तो इसके लिए आपको बार्गेनिंग करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी वालों ने लूट मचा रखी होती है, इतनी सारी टैक्सी वाले होते हैं और सबका एक ही रूट होता है टैक्सी का, वो लोग 1500 से लेकर के 2200 तक बताते हैं, लेकिन मैंने बार्गेनिंग करके 900 में टैक्सी बुक किया। और हम पहुंच गए कैची धाम, सुबह के 6:15 हो रहे हैं और हम कैची धाम पहुंच गए हैं, और मैं जा रही हूं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मंदिर में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, तो फटाफट से मैं प्रसाद लेती हूं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये बाबा जी का गेट है मंदिर में जाने के लिए, श्री कैची धाम हम आ चुके हैं, और यहाँ पर ये मेन गेट है एंट्री करने के लिए। पहले साइड से आप मंदिर देखिए, ये बाबा जी का मंदिर है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और अभी से लोगों की यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पे आते हैं और मंदिर का जो गेट है लगभग 7:45 करीब में खुल जाता है, और 7:20 पे सुबह की आरती होती है, और हम भी आरती लेने के लिए ही टाइम पर पहुँच गए क्योंकि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था। अभी बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, आरती भी हो गई है, और अच्छे से हमारी आरती दर्शन हमने कर लिया यहाँ पे। और देखिए गेट के बाहर है, क्योंकि गेट के अंदर कैमरा करना अलाउड नहीं होता है, तो अब जो भी करिए बाहर आके कर सकते हैं फोटोज़ वगैरह जो भी है, अंदर बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं होता है। और काफ़ी अच्छे से हमने आरती करी, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिन अभी बढ़ रहा है वैसी भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे हैं, और अगर इस साइड में मैं दिखाऊँगा तो ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हैवी भीड़ है आप देख सकते हैं। और ये देखिए आरती के बाद हम निकले बाहर और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। इसीलिए जब भी आप कैची धाम जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, तो कोशिश करें आरती के टाइम पे पहुँचे, आपको आरती अच्छे से मिलेगी। बता दूँ कि अभी तो खैर गर्मी का टाइम है तो पानी इस नदी में बहुत ही कम है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो ये पानी पूरा नदी भरा हुआ होता है, अभी नीचे खड़े भी नहीं हो सकते, अगर बरसात जब होती है तो इतना ज़्यादा इसमें पानी होता है कि यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, कितना क्लीन पानी आ रहा है ये देखिए। बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी है ये देखिए। कैची धाम में आप कहीं भी घूमेंगे या नैनीताल में, आपको हर जगह एक अलग सुकून, एक अलग शांति मिलती है, दिल खुश हो जाता है यहाँ घूमकर, और ऐसी शांति और सुकून कहीं और नहीं मिलता है। और ये बस ऐसे नहीं है, ये बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी की दया दृष्टि है जो इस शहर में इतनी सुकून और शांति मिलती है। और ये कैची धाम मंदिर से बाहर का मार्केट है, यहाँ से बाबा जी की फ़ोटो, मिठाइयाँ, धागा, ये सब कुछ आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी सुबह के 9:10 हो रहे हैं, और नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के बाद यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान है, तो इस चाय की दुकान में 2 कप चाय जो कि मम्मा और पापा पियेंगे और मैं पीती हूँ ग्रीन टी, तो उसके लिए मुझे चाहिए था पानी जो कि गर्म पानी हो जिसके चाय बनाने के लिए। तो एक शॉप पे गई थी जिसने मना कर दिया मुझे, एक शॉप पर मैं गई थी जिसने मुझे मना कर दिया कि वो पानी नहीं देगा। तो मैं मेरे पीछे देखिए आप, ये आपको चाय की दुकान दिख रही है, तो इस भैया से मैंने बोला कि भैया मुझे पानी चाहिए चाय के लिए, तो ये भैया अच्छे थे और इन्होंने मुझे चाय के लिए पानी भी दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से लेकर अपना चाय पीऊँगी और मम्मा पापा भी चाय पीएंगे, बाकी मेरे जो दोनों भाई हैं, मेरे भैया और भाई, वो चाय नहीं पीते हैं। चाय के लिए मुझे पानी चाहिए था, बिल्कुल उबलता हुआ पानी जिससे चाय बनती है, वो पानी नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पिया, बट ठीक है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पानी का कोई हमें मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो चलो ठीक है जो मिल गया वो मिल गया, मतलब ठंडी हो चुकी है। सो देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने आलू पराठा है, और ये जो देख रहे हैं आप एक ही पराठा है, साथ में अचार है और ये दही है, और ये जो प्लेट है ये 50 रुपये की, 50 रुपीज़ की ये प्लेट है, साथ में सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं है, दही है, दही नहीं बोल सकते, दही का पानी है ये, और साथ में अचार है, ठीक है, और ये पराठा है जो कि थोड़ा बहुत जला हुआ ही है, खाकर देखते हैं कैसा लगता है। सो यहाँ पे जो पराठा है, दही का जो पानी मैंने बोला, जो दही दे रहे हैं, दही तो मैं खाती नहीं पराठे से, लेकिन पराठा टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। क्या बोलूँ, नमक कम है और अजवाइन वगैरह का टेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है अजवाइन का।
क्योंकि मैं अजवाइन भी नहीं खाती तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। साथ में अचार है, एक बार अचार से खा के देखते हैं। यहाँ पे कुछ दो चार रेस्टोरेंट हैं ऐसे, मैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखा देती हूँ कैसा है। लेकिन खाने की बात करते एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर जाएगा, बहुत अच्छा खाना है। नहीं ठीक ठीक है, ओके ओके खाना है, मुझे इतना स्पेशली अच्छा नहीं लगा यहाँ पे खाना। ये रेस्टोरेंट है जिसमें हम खाने के लिए आए हैं, देखिए आपका नाम बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भैया के पास ना आपको जूस वगैरह भी मिलेंगे, साथ में प्रसाद भी मिलता है। तो प्रसाद मैंने यहीं से लिया था और देख सकते हैं। और हमारे बैग्स जो थे ये भैया काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि हम मंदिर जा रहे थे, सुबह सुबह आए थे तो हमने बैग यहीं पे इनके पास छोड़ के गए थे। तो ऐसा नहीं कि आप भी आए और बैग छोड़ दें, लेकिन हाँ ज़्यादा ज़रूरी है।